क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। मन लगा के घर पे पढ़ रहे हैं? आज सुबह का टेस्ट दिए थे आप लोग? टेस्ट लाजवाब रहा? मजा आ गया? देखिए कुछ पिछवा सा मुड़ी हिला रहा है ना, टेस्ट में मजा नहीं आया। क्वेश्चन कंफर्टेबल थे? क्या पता लगा मैथ पढ़ने के बाद आपसे सवाल बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन आप पढ़ लिए, सवाल बना लिए, यानी आप घर पे मेहनत नहीं किए। हाँ, अरे तो कन्फर्म बताओ, ऐसे की ऐसे कन्फर्म बताओ, मैंने आप पढ़े नहीं हो, आप पढ़े घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो और झूठ मूठ का कहते हो घर पे मन लगा के पढ़ रहे हैं, जब हम पूछते हैं तो कहते हैं हाँ पढ़े गए हैं। अरे कोई फायदा नहीं है घर पे पढ़ना, आपको घर पे नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है ना, घर नहीं पढ़ोगे आप में सुधार नहीं हो पाएगा, आप में सुधार नहीं हो पाएगा। घर पे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, घर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। आप तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आप पढ़ाई किसको गिन लेते हो, पढ़ाई किसको समझ लेते हो आप। कोचिंग जा रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो गई, इसे पढ़ाई में मत गिनना यार। इससे अगर पढ़ाई में गिन लोगे, अपने टाइम में बना लोगे कि हम 4 घंटा कोचिंग करके आए हैं, अगर ये माइंड में भर लिए तो फिर आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। 4 घंटा कोचिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको, जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। क्लियर है ना? सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी फायदा नहीं है। सबसे ज़रूरी क्या है? सेल्फ स्टडी। समझ में आ रहा है ना? आप 4 घंटा नहीं 8 घंटा ही कोचिंग कर लें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, सेल्फ स्टडी। और दूसरी चीज़, जब आप टेस्ट देने बैठ रहे हो तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को 5 मिनट में बनाओ, तो आपके पास टाइम कहाँ है? टाइम है? अरे आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, कितना ऑब्जेक्टिव मिलता है भाई? 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, तो 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको बनाना कितना होता है भाई? 50 बनाना होता है। अब आप क्या करो कि एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में 5 मिनट लगाओ, 1 घंटे का टाइम है, यानी 60 मिनट का टाइम है, 60 मिनट का टाइम है, और एक क्वेश्चन को 5 मिनट में बनाओ तो यानी आपको तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए ना, बन पाएगा? हाँ, तो यानी आपको ऑब्जेक्टिव पर कंसंट्रेशन करना होगा, ऑब्जेक्टिव पर कंसंट्रेशन करना होगा। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा हो? दूसरी चीज़, आप शॉर्ट क्वेश्चन जब बनाने चल रहे हो तो शॉर्ट क्वेश्चन पे आपको टाइम अपना निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन कितना रह रहा है भाई? 38। यानी अब इसमें से आपको, यानी सीधी बात कर लें हम, ध्यान से देखोगे कि इसमें 2 तरह के प्रश्न हो रहे हैं। एक तो लॉन्ग प्रश्न हो रहा है जो 5 मार्क्स का है, दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क का है, ठीक है ना? इनकी संख्या कितनी रह रही है 2 मार्क्स वाले की? 30। लॉन्ग वाले की कितनी संख्या रह रही है? 8। इसमें से बनाना आपको 4 है, इसमें से बनाना आपको 15 है, यानी टोटल अब आपको कितना समय मिल रहा है? 2 घंटे, यानी 120 मिनट। यानी क्वेश्चन कितना बनाना है? 19। अब 19 प्रश्नों पे टाइम ड्यूरेशन बांट लो। अगर आज ही से प्रॉपरली वे में आप मेहनत नहीं करोगे तो समझ लो कि फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। समझ में आ रहा है ना? आज आपने बनाया, टेस्ट दिया मैथ का, आप देखे कि हमें क्या कमी रह गई, तो क्या कमी रह गई उसका सुधार करो। कविता पढ़े है ना? क्या कमी रह गई उसका सुधार करो। समझ में आ रहा है ना? यानी कविता पढ़े कि लहरों से डूबकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पढ़े है ना? कोशिश बार बार करते रहिए, कोशिश बार बार करते रहिए,
एक बार आप असफल हुए, आज आपसे बहुत सारे प्रश्न नहीं बन पाए, जो आप पढ़े भी थे उन प्रश्नों को भी आप नहीं बना पाए, तो फिर आपको फिर घर जाकर कोशिश करना है, प्रॉपरली वे में कोशिश करना है, मजाक नहीं करना यार। अगर मजाक करोगे तो फिर जो सोच रहे हो आपसे होगा भी नहीं, और मम्मी पापा के सपने पर आप पानी फेर दोगे। समझ में आ रहा है ना, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद आने ही नहीं देते हैं। अब समझ में आ रहा है ना, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद ही नहीं आने देते हैं। रहने दो, देखो ताली बजाना अच्छी बात है, ताली बजाना अच्छी बात है, लेकिन उसको आदत मत बना लो अब ताली बजाना, वरना सबकी खुशी पे ताली बजेगी, तेरी बेटा खुशी मनेगी नहीं। समझ में आ रहा है ना, ताली तेरी खुशी पे भी बजना चाहिए, तेरी जो खुशी आए, तेरा रिजल्ट आए, उस पे सब लोग कंग्रेचुलेशन दे, जो जाने पहचाने चाहे कुछ भी नहीं वो स्टेटस लगा है कंग्रेचुलेशन भाई एक्स वाई जेड जो भी आपका नाम है, इस कदर आपको मेहनत करनी है, इस कदर मेहनत करनी है प्रॉपरली वे में। आपको जो भी तकलीफ है, आप क्लास में आते हो प्रॉपरली, क्या लिखेंगे इसको देखो, ओए होए इस तरह से प्रॉपरली वे में, वो प्रॉपरली वे में आपको मेहनत करना है, सही दिशात्मक रूप में आपको मेहनत करना है। जब भी आप टेस्ट देने बैठ रहे हो, कॉपी को सुसज्जित ढंग से लिखने का प्रयास करो, आपकी कॉपी देखने के बाद लगे कि हाँ बच्चा क्या है वेल प्रिपेयर्ड होकर घर से आया, लेकिन आप करते क्या हो, बंदरों की भांति लिख देते हो। कुछ बच्चों की कॉपियां देखने पर बंदरों की भांति है, क्या मार्क्स आपको मिलेंगे, यही आदत अगर बनी रही तो फिर एग्जाम में भी आप सुधार नहीं पाओगे। आप इमेजिन करो, बिहार से हर साल 17 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 18 लाख 17 से 18 लाख या 20 लाख एग्जाम देते हैं, 20 लाख बच्चे क्या करते हैं एग्जाम देते हैं हर साल देते हैं ना, टॉप कितना करते हैं आप बताओगे? चलो ठीक है, फर्स्ट डिवीजन कितने आते हैं, फर्स्ट डिवीजन कितनों का आता है, इसमें से 50% पहले फेल हो जाता है, 50% फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्या उसने पढ़ा नहीं, उसने कॉपी नहीं खरीदा, उसने किताब नहीं खरीदा, वो स्कूल नहीं गया, गया लेकिन उसने किया क्या, जो उस टाइम पे उसको करना चाहिए एक्चुअली उसने वो काम नहीं किया, एक्चुअली जो चीज उसे उस टाइम पे करना चाहिए था, जो उसका समय चल रहा था उसने उस टाइम पे उसने वो चीज नहीं किया, दूसरा चीज किया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अभी आप ही के क्लास में किसी का बर्थडे पार्टी था, किसी दिन वो कैमरा लेके आया, कहा कि सर के कैमरे से फोटो नहीं होगा भाई, हम अपना कैमरा लेके आएंगे, सर के साथ पार्टी सेलिब्रेट किया। तो पार्टी सेलिब्रेट हो जाने के बाद आपकी पढ़ाई चालू हुई, लेकिन क्लास के 50% बच्चे उस कैमरा के पीछे भग गए, भाई मेरा एक फोटो। ये बात हमें कैसे पता चली, क्योंकि वो कैमरा से अपना फोटो लेने के लिए फिर आया हम लोगों के सिस्टम पे कि सर थोड़ा सा इसको कहीं से कॉपी वॉपी करिए, चाहे जैसे भी हो फोटो दे दीजिए हम लोगों को। तो पता चला कि 50% भग के कहाँ गए हैं, तो कोई पेड़ के नीचे ऐसे किया है, कोई ऐसे किया, कोई ऐसे किया, अलग अलग डिजाइन बना के, समझ में आ रहा है ना, कोई ऐसे देख रहा है, लग रहा है कि जैसे उसकी वाली आने वाली है, यानी कर क्या रहे हो आप, अपना टाइम, जो आपका टाइम है उस टाइम को आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वेस्ट यानी बर्बाद कर रहे हो, अपने समय को आप बर्बाद कर रहे हो। तो आज आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो तो समय आपको इस कदर बर्बाद करेगा ना कि फिर आहें भरकर सिसकियां नहीं ले पाइएगा।
समय इस कदर बर्बाद करेगा बेटा, टाइम को बर्बाद मत करो। ये उम्र का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है। तेरी जवानी भी बीत जाएगी, तेरा उम्र भी बीत जाएगा, फिर तेरे हाथ में पछतावा ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तुम समझ रहा कि बहुत तोपसिंग बमसिंग बन जाएंगे तो फिर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि तुमसे ऊपर वाला देख नीचे ज़्यादा फड़फड़ाएगा ना, ऊपर वाला तुमको उठवा लेगा। तो फड़फड़ाना छोड़ो और सही दिशा में मेहनत करो, सही दिशा में मेहनत करो। कालर खड़ा करके जो घूमने की आदत बना ली हो इसको छोड़ो और प्यार से पोलाइटली अपने काम को करने का प्रयास करो। क्या आज है, यानी सीधी बात है कि अगर राइट टू गाइड है तो राइट टू डायरेक्शन होना चाहिए और राइट टू अपने कर्तव्य के लिए फाइट होनी चाहिए। राइट टू डायरेक्शन, राइट टू गाइड और राइट टू फाइट किसके लिए, अपने लक्ष्य के लिए। तीन चीज़ें याद रखना है तुमको जिंदगी में। क्या तीन चीज़ें याद रखनी है भाई? राइट टू गाइड अगर मिल गया, राइट टू गाइड मिल गया तो इसका ध्यान रखते हुए राइट टू डायरेक्शन चूज करना है, राइट टू डायरेक्शन चूज करना है। और जब राइट टू डायरेक्शन में जाने लगे तो याद रखना अब आपको सीधी सीधी बात क्या करनी है, राइट टू फाइट करना है। राइट टू फाइट किसके लिए करना है भाई? तो आपका जो गोल है, लक्ष्य है, और लक्ष्य क्या है भैया आपका? 450 प्लस है, 450 प्लस है, ये आपका लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। कुछ ही लोग कर रहे हैं, यानी अभी मैंने बताया कि 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 50% फेल हो जाता है, उसमें से कुछ लोग टॉप करते हैं। टॉपर में कितने लोग आते हैं भाई? अगर 460 से टॉपर उठाया जाता है, 482 पे बंद किया जाता है, तो इसमें मात्र 40 लोग ही होते हैं। ये तो बहुत अधिक हो गया, मात्र इसमें तो लाखों लोग हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ऐसा थोड़े ना उसने कहा है कि नहीं तेरा डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, तेरा ये देखेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं ना है। अरे 460 तो चारों कई लाख लोगों का आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो सब टॉपर में शामिल हो जाएंगे ना, लेकिन क्यों नहीं आता है? क्यों सेकेंड डिवीजन वालों की संख्या अधिक रहती है, कभी सोचा आपने? हर साल सेकेंड डिवीजन वाले की संख्या अधिक रहती है और उसके बाद बवाल करता है थर्ड डिवीजन वाला। सरकार भी सोचती है क्या करो, पास करो, फेल कर रहा है यार, इसको दे दो ग्रेस मार्क, दे के बढ़ाओ, ग्रेस मार्क दे के बढ़ाओ। जिस सब्जेक्ट में पास नहीं होना चाहिए, 24 नंबर से सरकार भी ग्रेस नंबर दे दी, 6 नंबर तू पास हो गया बेटा, जा तेरा इज्जत पानी बच गया, नहीं तो तेरे वे 10th का तो कजिया होने वाला था। वो थोड़ी सी ऑक्सीजन तुझे दे दी गई, थोड़ी सी ऑक्सीजन पिलाई गई है। यानी क्यों इनकी ही संख्या अधिक होती है, कभी सोचा आपने? सरकार यानी बोर्ड ने आपको एक क्राइटेरिया दिया कि 360 कह रहे हैं, 300 नंबर लाओगे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डिवीजन आओगे। 300 नंबर भी नहीं आ पाते हैं, 300 नंबर नहीं आ पाते हैं, कितने में से? 500 में से। समझ में आ रहा है ना? 500 में से 300 नंबर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते हैं, कभी आपने सोचा? वही जो आज हालात हुए थे आपके, यही हालात बने रहते हैं। समझ में आ रहा है? आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, चाहे आप इस क्लास के बच्चे हों या बाहर से देख रहे हैं, सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि भैया अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो जाइए। जो आपका सही वे में कार्य है उस पर ही फोकस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है तो राइट टू गाइड वाले पर्सन को चूज कीजिए। वो आपका ध्यान अगर भटक गया तो सही दिशा में वो आपके ध्यान को लाने का काम करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, तो फिर भैया आपकी उम्र का दोष है, आपका दोष नहीं है। बाकी मन लगा के पढ़िए। देखिए कुछ लड़कियां हंस रही हैं, ऐसे मुंह बना रही है सब, लड़कों की तरफ करके कर रही है सब। क्यों ना करे, हर साल लड़कियां ही टॉप कर रही है,
हर मायने में बेटियां आगे जा रही हैं, तो क्यों ना करें। जो छुन्नर वाला भाव आप लोग बना के रखे हैं, समझ में आ रहा है ना। ये मानते कि लोगों के पास बुद्धि नहीं है, झोंटा से कपार भरल है, लेकिन जौना के पास बुद्धि है ना, वो टॉप करती है। इधर सबके पास बुद्धि होता है, लेकिन कौनो नहीं करता है टॉप। कहाँ है, कहाँ है जानते हैं? बाकी आप समझ ही रहे हैं। आदत बदलो, आदत बदलो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों का काम क्या था आज? हम लोग कहाँ थे भाई? ये पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे, यानी एक्सरसाइज 6.1.2 हम लोग सॉल्व कर चुके थे, कर चुके थे ना। हाँ, अब क्या सॉल्व करना था हम लोगों को? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण आज हम लोगों को पढ़ना है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर है ना? अब इसमें करना कुछ नहीं है। देखो एक थ्योरम है एनसीईआरटी का, उसको समझ लेना है, और बाकी क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे आसानी से उसको बना लेना है, इसी प्रमेय के आधार पर, इसी थ्योरम के आधार पे, और कुछ नहीं। बहुत बड़ा इसमें है नहीं, लेकिन ध्यान रखना चार क्वेश्चन ही है, चार में से एक एग्ज़ाम में होता है। चार क्वेश्चन है, चार में से बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दो नंबर का रहता है, ये ध्यान रखना यार। आप समझ में आ रहा है ना? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हो अपने रियल नंबर का। क्या कह रहा है थ्योरम आपका? थ्योरम देखो क्या कह रहा है भाई। सबसे पहले कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है। समझने का बस अंतर है कि अगर इन्होंने कहा कि मान लीजिए, क्या करिए भाई, मान लीजिए कि P एक धनात्मक पूर्णांक है, आप क्या करिए भाई, मान लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है। मैं मान रहा हूँ और इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा कोई और कलर ले लेते हैं, चलिए इस पे समझा देते हैं आपको, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? चलिए समझिए बाबू, समझिएगा सबसे पहले कि इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए, क्या करिए भाई, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यानी P को इन्होंने क्या कहा भाई, अभाज्य संख्या कहा। P को क्या कहा, P को इन्होंने अभाज्य संख्या कहा, अभाज्य संख्या। दिखाई दे रहा है ना कलर? बोलिए, P को अभाज्य संख्या इन्होंने कहा, प्राइम नंबर। यदि P, अब इन्होंने कहा कि P क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित करती है, तो यह अवश्य में ए को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। समझ में आ रहा? यानी इन्होंने एक ऐसा बताया कि P बराबर कोई संख्या ले लिए, मान लिया कि P बराबर कोई भी दुनिया की संख्या हम ले लेते हैं, एक ले लिए, दो ले लिए, चार ले लिए, तीन ले लिए, छः ले लिए, डॉट डॉट कुछ भी ले लिए, और ए स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या ले लिया भाई, कुछ भी ले लिया। मतलब हमने देखा कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, 2 रूट 3 का स्क्वायर, 1/2 रूट 2 का स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि अगर 2 की बात करें, P की बात करें, तो P कर क्या रहा है, P माने 2, P माने 2 किसको विभाजित कर रहा है भाई, यानी 2 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यह अवश्य में किसको विभाजित करेगा, 2 को भी 2 विभाजित करेगा। यदि 2 3 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है,
तो यह 3 को भी विभाजित करेगा। समझ में आ रहा? अगर यह रूट टू टोटल द होल स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यह रूट टू को भी विभाजित करेगा। समझ में आ रहा? अगर यही 2 के जगह पे हम 4 ले लें, 3 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, तो यह किसी एक को विभाजित कर रहा है तो उसके स्क्वायर हटा दें तो उसको भी विभाजित करेगा। इनके कहने का अर्थ यही है, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी इसको हमने क्या माना भाई, इन सबको हमने क्या माना, ए स्क्वायर माना है। क्या माना है? ए स्क्वायर। समझ में आ रहा? अब आइए एनसीईआरटी में क्या लिखी गई है उन लाइनों को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। एनसीईआरटी की लिखी लाइनों को पढ़ें तो एनसीईआरटी की कुछ लाइनें लिखी गई हैं आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं अभी हटा देता हूँ इसको। चलिए तो एनसीईआरटी की क्या लाइन है भाई, देखना सबसे बड़ी चीज़ लाइन देखो। अब एनसीईआरटी की देखो मेरे बाबू लोग क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ए के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप के हैं, यानी ए का अभाज्य गुणनखंडन क्या मान लिया गया भाई, P1, P2, डॉट 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 कहाँ तक, Pn तक, इसके अभाज्य गुणनखंडन है। या इसको हम ऐसे ना लिखकर आपको समझा दे, P1 गुणे P2 गुणे P3 गुणे P4 डॉट 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 गुणे गुणे Pn, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ए के अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं। फिर अब कह रहा है अतः ए स्क्वायर, अब क्या है, जहाँ P1 P2 अभाज्य संख्या है परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है, आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या है लेकिन फ्रैक्शन में नहीं है। अब फिर इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा कि बात ए स्क्वायर की आती है, किसकी आती है, तो एक ए की बात ए है, फिर एक और ए लें तो क्या हो जाएगा, P1 गुणे P2 गुणे P3 गुणे P4 गुणे डॉट 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 Pn, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं पक्का, कर सकते हैं ना। तो अब ज़रा ध्यान देना मेरे बाबू कि अब ए स्क्वायर तो ए गुणे ए करेंगे तभी तो ए स्क्वायर होगा ना, यानी ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका फैक्टराइजेशन यानी P1 गुणे P2, क्लियर है ना, आ गुणे डॉट 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 Pn, आ इसका गुणा फिर नीचे वाले में करेंगे कि नहीं करेंगे, तो P1 गुणे P2 डॉट 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 गुणे Pn, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या मिल गया कि ए स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर गुणे P2 स्क्वायर गुणे P3 स्क्वायर गुणे डॉट 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 Pn स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें दिया गया है कि P ए स्क्वायर को विभाजित करते हैं, इसलिए अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंडन है। ये बात समझ गया, दिया गया है ना कि P किसको विभाजित कर रही है भाई, ए स्क्वायर को, तो अतः P ए स्क्वायर का एक क्या है, अभाज्य गुणनखंडन है, कह सकते हैं ना। दूसरा चीज, परंतु अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय गुण का प्रयोग, अद्वितीय गुण का प्रयोग प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 डॉट 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 Pn ही हैं, इसलिए P को P1 P2 में से ही एक होना चाहिए, यानी अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि जो अभाज्य गुणनखंडन होते हैं यूनिक होते हैं, वो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, यानी एक ही डिजिट के दो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते हैं, यही ना। तो यानी यहाँ क्या दिया गया है, आप देखेंगे इधर कि ए स्क्वायर का एक फैक्टराइजेशन क्या है, पी है, और हम बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ए स्क्वायर का फैक्टराइजेशन P1 गुणे P2 गुणे P3 बना रहे हैं ना। क्या यह पॉसिबल है, पॉसिबल या तो ए पॉसिबल है या दोनों में से कोई एक होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो यही तो यहाँ चीज़ कहा जा रहा है कि इसलिए P को P1 P2 में से ही कोई एक होना चाहिए। अब नीचे लिख रहा है, अब चूंकि A P1 P2 Pn है इसलिए P A को विभाजित अवश्य करेगा। अब हम इसकी उत्पत्ति दे सकते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या, समझ में आ रहा है ना। अब रूट टू एक अपरिमेय संख्या, इसकी उत्पत्ति दी जा सकती है।
तो एनसीईआरटी बस यही एक थ्योरम है, इसमें और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब तो समझ में आ रहा, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए, कोई दिक्कत हुआ किसी को? तो बस यही थ्योरम है। और अब क्वेश्चन बनाना है कि रूट टू, यानी क्या कह रहा है कि थ्योरम, फिर अगला क्वेश्चन थ्योरम कह रहा है कि रूट थ्री, यानी आप प्रूफ करिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूफ डैट थ्योरम रूट थ्री। यानी आए भाई देख ले अगला देखो बाबू मेरे, आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो पहले, और नोट करो फिर अगला हम दिखा देते हैं आपको। चलो हो गया नोट, आगे बढ़े। चलो अब आगे देखते हैं, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है कैसे नहीं है। तो सबसे पहले देखना, आप यहाँ हम चल रहे थे और यहाँ आपको थ्योरम ये हमने पढ़ लिया। अब थ्योरम इसको पढ़ सकते हैं कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से है, परीक्षा की दृष्टि से है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आते हैं, वो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कहेंगे कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है ना, आप ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। यस सर, कन्फर्म बताइए भाई, कहना क्या चाहते हैं आप बताइए? यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, है? आप तनको ये बात नहीं कहेंगे कि नहीं है? और कितना बड़ा है भाई, देखिए कितना लंबा चौड़ा इन्होंने प्रूफ किया है। इतना ही लंबा चौड़ा आपको भाषा लिखना पड़ेगा, ठीक है? इतना ही लंबा चौड़ा, हाँ, दो नंबर खातिर। हाँ, शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं होता है। नो एनी शॉर्टकट मार्ग ऑफ सक्सीज। चलो देखो, तो गांव वाले सुन रहे बाबू, ओ माय गॉड, सफलता का कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है, इसलिए देखो कह रहा इन्होंने कि क्या कहा है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है ना? यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। अब देखो, अब हम इसके विपरीत यहाँ मान लेते हैं कि रूट टू एक परिमेय संख्या, ये मान लीजिए। तो अब जैसे क्या कहा कि इसके विपरीत हम मान लेते हैं, देखिए इसके विपरीत, यानी माना कि क्या माना? माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है बाबू? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इस परिमेय संख्या को पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसका पी अपन क्यू ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या लिया है? आर अपॉन एस लिया है, आर अपॉन, तो हम आर एस एस अप आर अपॉन एस ही ले लेते हैं। मान लो कि इसको हमने क्या लिया, और में पी अपॉन क्यू ले लिया, यानी क्यों? हम पढ़े थे ना कि कोई भी परिमेय संख्या जिसको होती है तो उसको पी अपन क्यू के रूप में, यानी किसी भी परिमेय संख्या को पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पढ़े है ना? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? पी अपन क्यू के रूप में, क्लियर? अब जरा सोचो, तो या तो इसमें से आर इसको विभाजित करेगा या एस विभाजित करेगा, कोई एक विभाजित कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना, या तो आर विभाजित करेगा या एस, क्लियर है ना? इन दोनों में से एक के अतिरिक्त कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणन खंडन है कि नहीं है? है कि नहीं है, बता है? तो अब इसको और हम क्या कर सकते हैं कि R और S को विभाजित करके रूट टू बराबर इन्होंने क्या मान लिया, A अपन B प्राप्त कर सकते हैं। यानी इन्होंने कहा उभयनिष्ठ गुणन खंड से R और S को विभाजित करके रूट टू बराबर A अपन B प्राप्त कर सकते हैं, जहां A और B सह अभाज्य संख्या हैं। अतः अब इन्होंने देखो, अब इन्होंने क्या लिया कि रूट टू बराबर विभाजित करके क्या लिया, A अपन B। अब इन्होंने फिर A का मान निकाला तो क्या किया, तिरछा तिरछी गुणा, यानी B और रूट टू ले लिया, B अपन
रूट टू। अब स्क्वायर किया इन्होंने, दोनों तरफ स्क्वायर किया, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या किया? बोथ साइड स्क्वायरिंग किया। चलो भाई, स्क्वायरिंग किया तो यानी सबसे पहले ए स्क्वायर प्राप्त हुआ, इसका बी रूट टू टोटल द होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर या टू मिल जाएगा, टू बी स्क्वायर। अब देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने पर प्राप्त होता है। अतः अब इन्होंने क्या कहा कि जो टू है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा अभी प्रमेय पढ़ कर आए थे, टू ए भी ए को क्या करेगा, टू भी ए को विभाजित करेगा। अतः हम ए बराबर टू सी लिख सकते हैं, जहाँ सी को ही पूर्णांक है। अब ए का मान प्रतिस्थापित करने पर, ए का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो अगर ए का मान इन्होंने टू सी ले लिया, तो ए का मान प्रतिस्थापित करो यहाँ स्क्वायर में, तो टू सी टोटल द होल स्क्वायर यानी फोर सी बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर। तो यानी फोर सी स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? अर्थात बी स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि टू बी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, और कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि रूट टू एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि यह परिमेय संख्या। और इसको आसान तरीका से बना देते हैं, बस दो सेकेंड लगेंगे। आसान तरीका में देख लो, सीधा सीधे आसान तरीका में आओ, आसान तरीका देखो, सिद्ध करें। आसान तरीका सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अपरि आप समझ ही रहे हैं भाई, परिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखो करना कुछ नहीं मेरे भाई, सीधा सीधे मान लेना। क्या माना कि, माना कि ध्यान से देखो, रूट टू एक परिमेय संख्या है। अतः ऐ बाबू मान जाइए, अतः ए क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। अतः सीधा सीधे क्या लिख सकते हैं, रूट टू इक्वल टू, रूट टू इक्वल पी अपन क्यू लिख सकते हैं, या में क्या लिख सकते हैं भाई, इसको परिमेय रूप में व्यक्त करने पर, कौन से रूप में, परिमेय रूप में व्यक्त करने पर। ठीक है, अब देखो तो इसका क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधे इधर करेंगे तो P इक्वल टू क्यू रूट टू, क्यू रूट टू। देखो भाई अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्यू रूट टू टोटल द, या में पी स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर, टू क्यू स्क्वायर, क्लियर है ना? अब इसको हम इधर भेज दें तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, टू मिलेगा ना। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू। अब देखो, या थोड़ा सा हम ऐसे कर लें कि ऐसे ना करके थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ हमने क्या करा, एक क्यू रहने दिया और एक क्यू नीचे लेकर आ गए, क्लियर है ना, आ गए तो एक क्यू लेकर आए, तो यह क्या मिल गया हमको, भिन्न मिल गया, क्या मिल गया, भिन्न मिल गया, और यह क्या मिला, पूर्णांक मिल गया, क्या मिल गया, पूर्णांक मिल गया। अब भिन्न और पूर्णांक आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं, भिन्न और पूर्णांक आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो सीधा सीधे लिखेंगे कि यहाँ यहाँ पी स्क्वायर अपन क्यू एक भिन्न है, भिन्न है, जबकि टू क्यू एक पूर्णांक है, टू क्यू एक पूर्णांक है, अतः हाँ क्यू है भाई, ए नहीं है, हाँ चलिए पूर्णांक है, अतः यह विरोधाभास, यह
देखो भाई, यह विरोधाभास प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्लियर है ना। अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था, ठीक है। इसलिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। हो गया बाबू, कोई दिक्कत? अब आप इस तरह से बाकी 1.3 में बहुत प्रश्न नहीं है, कितने हैं भाई? 6, 3 प्रश्न है यार, एक में 3 है, बाकी 2 अलग अलग है, यानी 5 प्रश्न है, सब मिलाकर 5। उदाहरण में 2-3 उदाहरण है, यानी 9 नंबर उदाहरण है, 10 नंबर है और 11 नंबर, 3, 8 प्रश्न है। इन 8 प्रश्नों में से एक प्रश्न कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है, इसलिए इनको आप आसानी से बनाने का घर पर प्रयास करेंगे। अब आपका एच डब्ल्यू क्या होगा बाबू? 1.3, क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? हाँ चलो भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही। पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्लियर है? बाकी के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए यार आप बने रहिए PCM क्लासेज के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।